हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो है मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से जो है अपना ये पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल बैटरी जूसर ब्लेंडर है। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये अपना जूसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये बटन प्रेस करने के बाद जो है ये ऑन नहीं हो रहा है, इसका लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम जो है अगर हम जूसर को जो है लंबे समय तक चार्ज नहीं करते हैं, तो इसका जो बैटरी है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से जो है ऐसा प्रॉब्लम मिलता है हमें। सो फ्रेंड्स, ऐसा प्रॉब्लम जब भी हमें मिले तो उस समय जो है हमें जो है क्या करना है, अगर हम चार्जर लगाते हैं बहुत देर तक लिए भी, तभी जो है फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं चार्जर लगाने के बाद जो भी है इसका जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं हो रहा है, तो उस समय जो है हमें सिंपली क्या करना है, इसका जो बैक में रबड़ दिया हुआ है तीन, तो फ्रेंड्स इस तीनों रबड़ को जो है रिमूव कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने ये तीनों रबड़ को रिमूव कर दिया है, और फ्रेंड्स अपना जो ये रबड़ है इसे हमने रिमूव कर दिया है, और अभी इसे खोल लेंगे। सॉरी, खोलने से पहले जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्क्रू है इसमें, सॉरी स्क्रू को खोलना होगा, मैं भूल ही गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अपना ये तीन स्क्रू था, स्क्रू को हमने खोल लिया है, अभी जो है ये आसानी से हमारा निकल जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये खुल चुका है, और इसमें जो है हमें सिंपली ये क्लिप जो है अपना, ये क्लिप को रेड वाला जो है रेड साइड में लगेगा, रेड वाला, जैसे कि मैंने ये देख सकते हैं आप, लगा दिया मैंने रेड वाला को रेड साइड में। और फ्रेंड्स, ये अपना जो ब्लैक वाला है वो ब्लैक के साइड में लगेगा यहाँ पे। तो अभी जो है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम सिंपली क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा बैटरी है हमारे पास और ये अपना चार्जर, जैसे ही ये ब्लिंक हो जाता है उसके बाद जो हम इस चार्जर को इसमें कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद जो है अपना चार्जिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे सिंपली अगर हम अभी इसे चार्ज में लगाते भी है, जैसे आप देख सकते हैं, तो ये जो है चार्जिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हम जब इस बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो है एक बार ब्लिंक करेगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये ब्लिंक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है हमने अच्छे से नहीं लगाया शायद। तो फ्रेंड्स, ये जो है अपना ब्लिंक नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये बैटरी जो है अपना इसे हम चेंज कर लेते हैं, और दूसरा वाला जो बैटरी है उसे हम ट्राई करके देखते हैं इसे। यहाँ पर जो फ्रेंड्स, जितना भी अपना मशीन ये चार्ज में लगा हुआ तो सारा जो है पावर डेड था, और इसे जो है मैंने इस बैटरी की मदद से जो है सारा वो स्टार्ट किया, मैं भी उसी वजह से जो है इसका बैटरी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा होगा, तो हम जो है इसका बैटरी को चेंज कर लेंगे। और ये वाला जो है अपना प्लस वाला एंड है, तो इस तरफ में इससे लगाएंगे, और ये वाला जो है माइनस वाला एंड है, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम इसे प्रेस करके चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये ब्लिंक हो चुका है, रेड लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जो है हमें सिंपली क्या करना है, ये अपना जो चार्जर है, चार्जर जो है फ्रेंड्स, अपना चार्जर का जो यूएसबी पॉइंट है उसे जो है इस पे लगा देना है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका रेड लाइट जलना शुरू हो गया, और अभी जो है फ्रेंड्स इसका कोई काम नहीं है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अभी जो है ये चार्जिंग मोड में चला गया है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है इसे हमें आधा घंटे तक के लिए जो है ऐसे ही रख देना है। ऐसे रखने के बाद जो है फ्रेंड्स अपना जो मशीन है, जैसे आप देख सकते हैं ये सारा को जो हमने चार्ज किया था, और ये जो है अभी चल रहा है, तो इसी तरीका से जो है फ्रेंड्स आधा घंटा एक घंटा रखने के बाद जो है ये अपना कम्प्लीटली फुल चार्ज हो जाएगा, और फुल चार्ज होने के बाद जो है इसका जो लाइट है फ्रेंड्स रेड से जो है वो ब्लू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से जो है इसे रिपेयरिंग करना है अगर ये खराब हो जाता है तो। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।